मैडम, आपने यहाँ बुलाया कोई समस्या? समस्या? आपकी बेटी की वजह से हमारे स्कूल में डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम होते जा रही है। पर ऐसा क्या हो गया मैडम? ऐसा क्या हो गया? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। आपकी बेटी की वजह से मेरा पूरा स्कूल का स्टाफ परेशान है। पर मैडम, ये तो पढ़ने में बहुत होशियार है। अच्छा, आपकी बेटी हमारे स्कूल में हिंदी बोलती है, और हमारे स्कूल में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और तो और इसकी वजह से बाकी सारे बच्चे भी हिंदी में बात करते हैं, और देखो तुम जैसे गवार पेरेंट्स की वजह से मैं भी हिंदी में बात कर रही हूँ। पर मैडम, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ये तो हमें बोलनी चाहिए ना। इसी बात की तो दिक्कत है। तुम्हारी बेटी हमारे स्कूल में हिंदी बोलती है, और आपको पता है ना यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है? लेकिन मैडम, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे कि आपकी बेटी पढ़ाई में कितनी होशियार है। मेरी बेटी को देखो, आपको पता है मेरी बेटी पढ़ाई में कितनी होशियार है और कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है? बेटे जरा इन गवारों को वो स्टोरी सुनाओ जो कल आपने मुझे सुनाई थी। इन लोगों को ये भी तो पता चले कि मेरी बेटी पढ़ाई में कितनी होशियार है। हाँ मम्मा, सुनाती हूँ ना। देयर वॉज अ किंग हु हैड ओनली वन लेग एंड वन आई, बट ही वॉज जेनरस एंड एबल एज अ रूलर। वन डे वाइल वॉकिंग इन हिज पैलेस, द किंग्स आईज फेल ऑन द पिक्चर्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स ऑन द साइड ऑफ द हॉल। He also wanted his portrait to be painted by an artist. बस बस बेटा, इतना काफी इन गवारों के लिए। एक्चुअली इन लोगों को तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आप बोल क्या रहे हो। इंग्लिश में जो बोल रहे हो ना आप, देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, और आपकी बेटी सिर्फ हिंदी बोलना जानती है। और आज जो आपकी बेटी की हालत है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। मेरी वजह से? पर मैडम, इसमें मेरी क्या गलती? आंटी, आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में तो भेज देते हो, जब आपको कुछ पता ही नहीं होता है तो आप अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन ही क्यों करवाते हो? अरे नहीं नहीं बेटा, इन जैसे लोगों की औकात थोड़ी होती है जो इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वो होता है ना गरीबों का कोटा, उस वजह से एडमिशन हुआ इसका यहाँ। वरना इन जैसे लोगों की औकात थोड़ी है जो इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। अरे इन जैसे बच्चों को तो अपने स्कूल के गेट पर भी खड़े ना होने दूं मैं, और क्लासरूम की तो दूर की बात है। मैडम, आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रही है? ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है मन लगाकर। आंटी, आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे इतने बड़े स्कूल का स्टैंडर्ड और उसकी बातें। एक बात बताना जरा मुझे, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? जी वो किसान है। यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, गरीब किसान लोग। तुम जैसे सब्जी वाले, वॉचमैन, तुम लोगों के बस यही सपने होते ना कि तुम लोग अपने बच्चों का बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाओ। अरे अपने लेवल के स्कूल क्यों नहीं ढूंढते हो तुम लोग? सरकारी स्कूल है ना तुम लोगों के लिए, वहीं एडमिशन कराना चाहिए अपने बच्चों का। हिंदी भी बोली जाती है वहाँ, और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड होता है, और वो स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। पर मैडम, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ये तो हम बोलेंगे ही ना। नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारे स्कूल है, और हमारे स्कूल में वही होगा जो हम चाहेंगे। अरे किसान हो तुम लोग, खेती करो ना, और आगे जाके तुम्हारे बच्चों को भी यही करना है। ना तो तुम्हें कुछ आता है, और ना ही तुम्हारे पति को कुछ आता होगा, और तुम्हारी बच्ची के बारे में तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसे क्या आता है। फार्मर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फार्मर्स आर कोर बैकबोन ऑफ एवरी कंट्री। दे प्रोवाइड फूड टू द होल कंट्री। फार्मर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी कैन ईट फूड बिकॉज ऑफ देम, सो वी शुड रिस्पेक्ट फार्मर। मैम, आप क्या कह रही थी? मेरे पापा एक किसान है, और मैं भी किसान ही बनूंगी। हाँ, मेरे पापा बहुत मेहनती है, और मुझे प्राउड होगा कि मैं उनके जैसा किसान बनूंगी। और अगर पढ़े लिखे लोग आज जैसे होते हैं तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं बेटा, पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, हाँ माना बुरे भी होते हैं, पर आपको उनकी तरह नहीं बनना। आपको एक अच्छा इंसान बनना है और आगे बढ़ना है। देखा मैडम, आप लोगों से ज़्यादा समझदार तो मेरी ही बच्ची है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप एक किसान के बारे में कैसी बातें करते हैं और क्या सोच रखते हैं उनके बारे में। आपको पता भी है किसान कितनी मेहनत करता है आप लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए। अगर वो आज खेती करना बंद कर देना तो आप लोग भूखे मर जाएंगे, आपके पास एक अन्न का दाना नहीं होगा खाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि आपके पास तो पैसे हैं, आप दुकान पर जाकर ले लेंगे, पर जिस दुकान से आप वो अन्न लेकर आते हैं वहाँ तक वो अन्न भी वो किसान से ही आता है। इसीलिए आपको किसान की इज्जत करनी चाहिए। और क्या कहा था आपने? हम जाहिल गवार लोग हैं। हम जाहिल गवार नहीं हैं मैडम, हम चाहते तो हम भी पढ़ लिख सकते थे, लेकिन हमने खेती को चुना क्योंकि हमारे पूर्वज भी किसान थे,
और आप ये मत भूलिए कि आपके पूर्वज भी किसान ही थे। आप जिस शहर में रह रही हैं ना, यहाँ पर भी एक टाइम पर खेती ही हुआ करती थी। और आपको पता है, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो आप लोगों की वजह से सुसाइड करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप उन्हें मजबूर कर देते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि इस खेती में क्या रखा है, तुम शहर जाओ, दो पैसे ज़्यादा कमाओ। और आप लोगों की वजह से वो बहकावे में आकर शहर चले जाते हैं, और जो उनके पास थोड़ा बहुत कुछ आता भी है वो भी खो बैठते हैं। आप किसी भी किसान के बारे में ऐसा मत सोचिए, क्योंकि किसान है तो हम हैं, क्योंकि अन्न सब कुछ होता है। आप ये मत सोचिए कि आप पैसे वाले हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो उन पैसों से भी आप एक अन्न का दाना नहीं खरीद पाएंगे। और क्या कह रही थी आप कि किसान का बच्चा किसान बनेगा, मजदूर का मजदूर, सब्जी वाले का सब्जी वाला? पर मैडम, दुनिया बदल चुकी है। आज एक इंसान कुछ भी बन सकता है, मेहनत कर कर आगे बढ़ सकता है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बच्ची खेती करना चाहती है। और आपको पता है, खेती करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। और आप लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आप शहर में 10 मिनट धूप में भी नहीं रह सकते हैं। आपको तो बस AC चाहिए, कूलर चाहिए। लेकिन एक किसान दिन भर खेत में धूप में मेहनत करता है, और किसके लिए करता है वो ये सब? आप जैसे लोगों के लिए ही। और बदले में उसे क्या मिलता है, कभी सोचा है आपने? आप इंग्लिश बोलिए, लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी मातृभाषा को मत भूलिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी ऐसी जगह पर पढ़े जहाँ हिंदी को उसका सम्मान ही नहीं मिलता है। चलो बेटा, घर चलते हैं, आपका दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे।